अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस पार्ट में हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा टर्म्स, एंड टर्म्स, एनथ टर्म और एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इस पार्ट में जो मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पार्ट से आते हैं, यानी सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। ओके, सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, मान लीजिए वन, वन में फोर ऐड किया फाइव, फाइव में फोर ऐड किया नाइन, नाइन में फोर ऐड किया थर्टीन, थर्टीन में फोर ऐड किया सेवनटीन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका अगर हमने माना कि ये वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टर्म्स है, अगर मान लो हमें इसके नेक्स्ट फिफ्टीन या ट्वेंटी टर्म्स, ट्वेंटी टर्म्स का सम कितना आता है। अगर देखें तो टू टर्म्स का सम कितना आता है, सम ऑफ द टू टर्म्स इज वन प्लस फाइव सिक्स, थ्री टर्म्स वन प्लस फाइव प्लस नाइन मीन्स सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन। ऐसे ही अगर हमने कहा कि पहली ट्वेंटी टर्म्स का हम एडिशन निकालें, तो अब आप बोलोगे कि भाई उसके लिए तो हमें पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी सीरीज मालूम होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, अगर हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम हैं, ठीक है, तो हम उसकी मदद से हम 20 टर्म्स, 30 टर्म्स, 80 टर्म्स, 100 टर्म्स, 200 टर्म्स, 1000 टर्म्स तक का हम एडिशन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम एक फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल जैसे एक जूसर होता है या जैसे मिक्सर होता है जिसमें हमने फ्रूट डाला और जूस निकाला, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी मदद से हमें फाइनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो क्या फॉर्मूला है, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद है, वो था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये था nth टर्म का फॉर्मूला। तो sn टर्म, sn यानी सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है किस चीज़ का वो देखते हैं। एन क्या है, एन है कितनी टर्म्स हैं, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है, ए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी। और डी क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इन इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल सकते हैं। सम समझ में आ गया, जोड़, एडिशन। ओके, और इसके साथ ही एक और बढ़िया फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं ए एन वाला, लास्ट टर्म वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, या इसे हम लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा है 1, 5, 9, 13, 17, इसका हम मान लीजिए 20 टर्म्स का सम निकालते हैं। ठीक है, ये पार्ट पोर्शन हम यूज़ करें, तो हम लिखेंगे इसको एस ट्वेंटी। क्या है हमारा फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, सो एस ट्वेंटी इज इक्वल टू एन, क्या है हमारा, देखिए एन है हमारा 20, यानी 20 टर्म्स का, 20 बाई टू, क्लियर। और 2a, 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है 1, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 क्या है, एन है 20, सो 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, 19 इंटू डी, डी क्या है हमारा। अब ये डी निकालने के लिए हमें पहली दो या बाद की दो हमने देखा था कि हमने क्या ऐड किया था, हर बार हमने 4 ऐड किया था, तो 19 इंटू 4, बस बस हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, 20 बाई टू हो गया 10, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, 76, सो एस 20 इज इक्वल्स टू 10, 76 प्लस 2 78,
और S20 क्या हो जाएगा आप देखिए, 10 × 78 तो पता है हमें 780। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स, यहाँ हमने 20 टर्म का किया है तो आप इससे क्या 40 टर्म का भी सम निकाल सकते हैं, 50 टर्म का भी। सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको कितनी टर्म्स का AP सम निकालना है ये पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, और आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तो हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने भी टर्म्स का सम यानी कि टोटल निकाल सकते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको, नहीं हुआ है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पूछना है। ओके, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर, टेक गुड केयर, थैंक यू।